हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की, कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आया होगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में दी गई होगी। तब जब सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के एक्टिव सेंटेंसों को पैसिव सेंटेंसों में बदलना है या एक्टिव के सेंटेंसों को कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो एक्टिव पैसिव, वास्तव में एक्टिव है क्या? एक्टिव में जो वर्ब होती है वो ज़्यादा महत्व देती है किसको? सब्जेक्ट को। जो एक्टिव का सेंटेंस है उसमें वर्ब जो है वो ज़्यादा महत्व देती है किसको? सब्जेक्ट को। और पैसिव में वर्ब जो है वो महत्व प्रदान करती है किसको? ऑब्जेक्ट को। यही एक्टिव और पैसिव में अंतर होता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि सबसे पहले हमको न्यू सब्जेक्ट चाहिए। न्यू सब्जेक्ट मतलब जो एक्टिव के सब्जेक्ट का, सॉरी, एक्टिव के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव के लिए हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो हैज या हैव हम यूज करेंगे तो पहले से एक्टिव के सेंटेंस में हैज यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको हैज हैव में से वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो हमारे न्यू सब्जेक्ट पे सटीक बैठती हो या न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठती हो। तो हम न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद उसमें बीन ऐड कर देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस सेंटेंस के वाक्यों में वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आएगी। एक्टिव के सेंटेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही मौजूद होगी तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, वो सेम वही रहेगी। और उसके बाद आता है न्यू ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वही हमारा पैसिव के सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बोर्ड पे, आइए देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वी हैव नॉट टेकन लंच टूडे। आज हमने लंच नहीं किया। तो दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव का सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग ही था। तो जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तब हमको हैव हैज के बाद और बीन से पहले नॉट यूज करना होगा पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है। तो न्यू सब्जेक्ट हमारा होगा लंच, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव में क्या है? लंच। तो पैसिव के लिए लंच ही हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम दिए गए सेंटेंस को पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लंच, लंच। अब हेल्पिंग वर्ब, तो लंच के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज। लंच हैज, उसके बाद बीन यूज करेंगे। सॉरी, ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव का है। तो लंच हैज नॉट बीन, नॉट बीन, लंच हैज नॉट बीन टेकन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टेकन टुडे बाई। अब नया सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है? वी जो था वो एक्टिव में सब्जेक्ट था लेकिन पैसिव में वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और जब वी ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो वो बन हो जाएगा अस, टुडे बाई अस।
तो पैसिव में जब हमने सेंटेंस को कन्वर्ट किया तो हमारा सेंटेंस बना लंच हैज नॉट बीन टेकन टुडे बाई अस, अर्थात आज हमारे द्वारा लंच नहीं किया गया है। ये बनी आपकी पैसिव वाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, सी हैज नेवर टोल्ड अ लाई, उसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमको चाहिए कि एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वही तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम जो वर्ब आती है एक्टिव में, वर्ब के बाद देखते हैं जो वर्ड होता वही हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वही ऑब्जेक्ट हमारे लिए सब्जेक्ट बनता। तो यहां टोल्ड के बाद आया है अलाई, तो यहां सब्जेक्ट क्या बनेगा, अलाई। अलाई अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा न्यू सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखना है क्या बनेगी। तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी बनेगी अलाई हैज अब नेवर, अलाई हैज नेवर बीन, अलाई हैज नेवर बीन टोल्ड, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आएगी इस वाक या इस टेंस के वाक्यों में, तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की जरूरत नहीं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी सेंटेंस में आई ही होगी। तो नेवर बीन टोल्ड, अलाई हैज नेवर बीन टोल्ड बाई, सब्जेक्ट क्या था हमारा, सी, और वही सी जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो हो जाएगा हर, बाई हर। ये बनी आपकी पैसिव वाइज। तो क्या बना सेंटेंस हमारा, अलाई हैज नेवर बीन टोल्ड बाई हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रानी हैज वन द प्राइज, रानी ने प्राइज जीत लिया। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट है द प्राइज, और वही ऑब्जेक्ट पैसिव में हमारे लिए काम करेगा सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, द प्राइज, द प्राइज। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमको, तो प्राइज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज, द प्राइज हैज बीन, द प्राइज हैज बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है वन, वन बाय, अब जो सब्जेक्ट था वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्टिव में सब्जेक्ट क्या था, रानी, और वही रानी क्या बन जाएगा हमारे लिए, ऑब्जेक्ट, बाय रानी। ये हुई हमारी पैसिव वाइज। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, आई हैव लॉस्ट द बैग, मैंने बैग खो दिया, मैंने जो थैला था मेरे पास या मेरे पास जो बैग था वो मैंने खो दिया। तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि दिए गए एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखने पे हमें पता चला कि एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट है द बैग, तो वही द बैग हमारे लिए सब्जेक्ट बनेगा, द बैग। अब हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे, न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बैग। तो द बैग के लिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज, ऑल्दो एक्टिव के सेंटेंस में यहां हैव आया था लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। एक्टिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ये माने नहीं रखता, यहां हैव हुआ तो यहां हैव का होना अनिवार्य नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जो हैव हैज यूज करना है वो डिपेंड करेगा हमारे
न्यू सब्जेक्ट पे, तब सब्जेक्ट आई था इसलिए हैव यूज हुआ था, अब ये सब्जेक्ट है द बैग इसलिए क्या यूज हो रहा है, हैज। तो द बैग हैज बीन, द बैग हैज बीन लॉस्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती, लॉस्ट, जो कि ऑलरेडी आई हुई है, लॉस्ट बाय, और किसके द्वारा खोया गया है, सब्जेक्ट यहां आई है, और आई जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो बन जाएगा मी। तो द बैग हैज बीन लॉस्ट बाय मी, मेरे द्वारा बैग खोया गया या बैग मुझसे खो गया। तो ये तो हुई इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस। तो ये तो कुछ एग्जांपल हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जिनकी पैसिव वॉइस बनाई गई है। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो बोर्ड पे दिए हुए हैं। तो जो ये देखिए कुछ एग्जांपल जो हैज से शुरू हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरू हुआ है या जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए। कहने का अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कुछ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हैं, कुछ इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की श्रेणी में आते हैं और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की श्रेणी में आते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है वो हैज से शुरू हुआ, इट मींस ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। आप जब देखेंगे स्ट्रक्चर को तो वहां अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूले पे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इसी से सेकंड टाइप के सेंटेंसों को पैसिव में बदलेंगे। थोड़ा बदलाव करना होगा इस स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है तब उसकी पैसिव बनाने के लिए यही क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ जाएगा, शुरुआत में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। सपोज दैट आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से। पैसिव के सेंटेंस को हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हम बीन यूज करेंगे, तत्पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में बाय न्यू ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर तो ये रहा और स्ट्रक्चर के बेस पे ही हमको पैसिव बनानी है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारा है वो है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का, लेकिन इसी के हेल्प से हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस शुरू हुआ हैज से, इट मींस ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, तो हमको भी इसकी पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत करनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें हैज यूज करना है कि हैव यूज करना है ये डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे, और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, द फॉक्स। तो द फॉक्स के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो यहां लगाई जाएगी। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा बन रहा है द फॉक्स इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज द फॉक्स, हैज द फॉक्स, हैज द फॉक्स अप बीन, हैज द फॉक्स बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी आई हुई है been killed, has the fox been killed by, अब जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव के सेंटेंस में, by the hunter, by the hunter, ये रही आपकी पैसिव। अब चूंकि ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, तो पैसिव का सेंटेंस भी बनेगा इंट्रोगेटिव में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
सेंटेंस हमारा है, व्हाई हैज सी नॉट ईटन द राइप मैंगोज, वो पके हुए आम क्यों नहीं खाती है। यहां इंट्रोगेटिव निगेटिव है सेंटेंस, तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है सेंटेंस, तो हमको सेंटेंस की जब पैसिव बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन वर्ड से ही उसकी शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, और व्हाई के बाद हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव, लेकिन वो डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। वैसे तो यहाँ हैव यूज हुआ था सी के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हमारा न्यू सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही हमारे पैसिव के लिए न्यू सब्जेक्ट बनेगा। तो न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, द राइप मैंगोज। तो राइप मैंगोज पके आम प्लूरल में है मैंगोज, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, हैव। व्हाई हैव द राइप मैंगोज, व्हाई हैव द राइप मैंगोज। अब चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, इसलिए हम यूज करेंगे नॉट। व्हाई हैव द राइप मैंगोज नॉट बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी आई हुई है ईटन बाय। अब सब्जेक्ट क्या था, सी, तो ऑब्जेक्ट सी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में जब जाएगा या ऑब्जेक्टिव केस में जब यूज किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, हर, बाय हर। ये रही आपकी पैसिव वाइज। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हैव यू रीड द मैगजीन, क्या तुमने मैगजीन पढ़ ली। यहां पे सेंटेंस हैव से शुरू हुआ है, इट मींस ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, और जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है तो हमें भी इसकी पैसिव बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी, और जो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है वो डिपेंड करेगी हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, द मैगजीन, तो द मैगजीन के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हैज। हैज द मैगजीन Has the magazine been? Has the magazine been read by? Read by you? ये आपकी पैसिव। Has the magazine been read by? You. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, When has he taught you English? When has he taught? वर्ब क्या है, taught you, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा, you। बच्चे इंग्लिश को भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन हमने बताया जो वर्ब के बाद वर्ड होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, you। तो हम पैसिव जब बनाएंगे तब सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, यू को, लेकिन इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का चूंकि सेंटेंस है व्हेन से शुरू हुआ है तो हमें भी पैसिव बनाते समय क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हेन, और व्हेन के बाद अब हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, हमारे न्यू सब्जेक्ट पे जो कि बनेगा यू। तो व्हेन हैव यू, when have you been, when have you been taught, when have you been taught English, when have you been taught English by, अब जब ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो क्या बन जाएगा, हिम। व्हेन हैव यू बीन टॉट इंग्लिश बाय हिम, तुम उसके द्वारा कब
इंग्लिश पढ़ाए जाते हो। अगला सेंटेंस है, यू हैव नॉट फिनिश द वर्क। यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, तुमने काम समाप्त नहीं किया है। ये सेंटेंस हमारा है निगेटिव का। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, और वो है क्या, द वर्क। द वर्क, और अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो द वर्क के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज। द वर्क हैज नॉट बीन, हैज नॉट, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वही यू क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये बन गई पैसिव वॉइस। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए जिनकी पैसिव वॉइस बनाई गई, और हम आशा करते हैं आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंसों के वाक्यों की पैसिव वॉइस बना पाएंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।